कैनन 80D से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट सेटिंग्स क्या होने चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हरीश मॉडर्न बाबा से और आज हम आपको बताएंगे कि कैनन 80D से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बेस्ट सेटिंग क्या होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वीडियो मोड में जाकर फ्रेम रेट चेक करेंगे। वीडियो मोड यहाँ से चेंज करते हैं, ये स्टिल मोड के लिए है और ये वीडियो मोड के लिए। वीडियो मोड का फ्रेम रेट चेक करने के लिए हम क्यू बटन दबाएंगे और यहाँ पर टच करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फ्रेम रेट कौन सा सिलेक्टेड है। 50 FPS स्लो मोशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिनेमैटिक लुक के लिए हम 25 FPS सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम रेट चेक करने के बाद हमको पिक्चर स्टाइल चेक करना चाहिए। ये ऑटोमेटिक मोड है, जनरली लोग इसी में शूट करते हैं। हमको न्यूट्रल स्टाइल रखना चाहिए क्योंकि हम बाद में पोस्ट में इसे कलर ग्रेडिंग करना है, शार्पनेस बढ़ाना है, ये सब चीज़ें इसमें सेट कर सकते हैं। ये इन्फो दबा के हम चेक कर सकते हैं कि हमारा शार्पनेस क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए और कौन सा कलर टोन होना चाहिए। तो हम कॉन्ट्रास्ट इसको थोड़ा एक नेगेटिव रखना चाहिए और जो सैचुरेशन है उसको भी एक नेगेटिव रखना चाहिए और ये जो कलर टोन है वो न्यूट्रल ही रहना चाहिए और ये शार्पनेस जो है वो हमेशा ज़ीरो में रहना चाहिए। इसको हम पोस्ट में बढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर है। पिक्चर स्टाइल सेट करने के बाद हमको ISO सेटिंग्स चेक करना चाहिए। ISO जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है क्योंकि ISO जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वीडियो में ग्रेन्स आएगा। ग्रेन्स जितना कम हो उतना हमारी वीडियो का क्वालिटी अच्छा रहेगा, इसलिए हमें वैसे ही रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद नहीं आया हो तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।